रूल्स पहले ही दिन से हमारा पीछा करना शुरू कर देते हैं। बहुत किस्म के होते हैं, कंट्रीज तो छोड़ो, हर घर में अपने अपने अलग अलग रूल्स होते हैं। और अगर ये सच है तो हर किसी के, आपके मेरे, हर इंडिविजुअल के अपने खुद के कुछ रूल्स नहीं होने चाहिए। जैसे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, उसके खुद के अपने रूल्स हैं कि जब वो मर्जी आए तब आएगी, जब मर्जी आए तब जाएगी। आसमान से गिरने वाली बिजली की बात कर रहा हूं, लेकिन इंसान ने उसे भी पैदा करना, कंट्रोल करना दोनों सीख लिया, और उसी वजह से हम सब इतने करीब आ पाए हैं, और थोड़े अमीर और थोड़े गरीब भी हो पाए हैं। एक घंटा वेट करना अच्छा लगता है, या एक पूरा दिन जब बिजली चली जाती है कि गई, चलो सही है 3 बज गए। पर उस आसमान से गिरने वाली कभी कभी वाली बिजली से तो इस एक घंटे को हम ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन तो बिता सकते हैं। तो इंसान ने एक तरह से बिजली के रूल को तोड़ा भी नहीं और तोड़ भी दिया। कैसे? हमने बिजली पैदा कर दी तो उसने अपने बच्चे को कंट्रोल करना भी सीख लिया, क्योंकि अगर बिजली पैदा करोगे और उसको कंट्रोल में करना है तो अपने रूल्स को उसके रूल्स के साथ हमें मैच कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें उसकी एनर्जी का दुरुपयोग नहीं, उसका इस्तेमाल करना है। और वो कैसे होगी? इसके रूल्स को अच्छी तरह से समझकर। हमारे अंदर भी तो एक बिजली जैसी, शायद उससे थोड़ी सी इंटेलिजेंट मगर उतनी ही हैरान करने वाली ये जिंदगी, ये लाइफ है। और इसके रूल्स को समझने के लिए हमें अपने लेसन्स को दोहराना पड़ेगा। लंबा प्रोसेस है, कई बार पास तो कई बार फेल, मगर जितनी देर तक खेल सकता है इस रूल्स वाले गेम को उतनी देर तो खेल। जैसे एक रूल कि 1 घंटे का रेस्ट काफी है काम के बीच में। जब सफर कहीं मुश्किल जगह जाने के लिए शुरू कर देंगे तब सफर में आराम बस 2 ही जगह किया जा सकता है। एक वो काली रात बिताने के लिए किसी महफूज जगह पे सोया जा सकता है, और दूसरा गाड़ी को शाम को साइड पे लगा के कहीं एक कप चाय का पिया जा सकता है। आंख बंद करके मैप पे उंगली रखने के लिए थोड़ा पागलपन, थोड़ी हिम्मत की तो जरूरत पड़ती ही है। हम वहां जाएं ना जाएं वो तो बात की बात है, हम इस हरकत से अपनी लिमिटेशंस को अपने सामने खड़ा देख सकते हैं। कितना कर सकते हैं से ज्यादा कितना नहीं कर पा रहे ये पता होना ज्यादा जरूरी है। ऐसा करने से हम अपने रूल्स खुद लिख सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं उसको जाके तो धप्पा करना ही है, और क्या नहीं कर सकते को हमें अपनी जिद बनानी है। अगर खतरा हो तो बस शुरू ना करने का होना चाहिए। सिंपल सा रूल है ये, हमारी डिक्शनरी में तो होना ही होना चाहिए। सिर्फ उस भगवान के भरोसे बैठ के हम बस उसकी तौहीन करते हैं, क्योंकि अगर वो हमारे लिए है तो हमें भी तो थोड़ा थोड़ा उसके लिए हो जाना चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रोल हमारी इस जिंदगी में बस उस खुदा का ही तो है, और वो बस भूख दे सकता है, पर उस भूख को मिटाने के लिए हमें बिस्तर से बाहर तो खुद ही निकलना पड़ेगा। भूख है तो जिंदा है हम, भूख खत्म तो हम भी खत्म, कि बढ़े तो बढ़ते ही चले जाएं, कि रुके ना पीछे देखने के लिए
ये तेरे बढ़ते हुए कदम।